Hello friends, I welcome to all of you on our YouTube channel. I'm Srikant Kalinder. Friends, in today's video lecture, I'm going to discuss with you UGC NEET June 2013 paper 3 of Sociology, and this is part 2nd. Let's start from question number 26. Now is the list. Yahan pe schemes hai aur yahan pe year hai. Take your time. The correct answer is option B. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई, फिर नेशनल लिटरेसी मिशन 1988, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वीमेन्स डेवलपमेंट 2001. क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे भी लिस्ट को मैच करना है, टेक योर टाइम. Correct answer is option C. 73rd Constitutional Amendment, Women's Empowerment, the Gyandut Project, e-Governance, Human Development Reports, UNDP, United Nations Development Program, Sale or Purchase of Goods or Services through the Internet, e-Commerce. General question है. Basically हर exam में ऐसे दो तीन question पूछे जाते हैं. Question number 28. Intersubjective consciousness in everyday life is the core area of focus of the. Take your time. The correct answer is phenomenologist. Phenomenologist जो है वह study करने के लिए उनका core area क्या होता है? Intersubjective consciousness. फेनोमेनोलॉजी में क्या होता है? फेनोमेनोलॉजी स्टडीज कॉमन सेंस, कॉन्शियस एक्सपीरियंस एंड रूटीन डेली लाइफ. डेली लाइफ में जो हर एक व्यक्ति कॉमन सेंस यूज करता है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस को वो फेस करता है, और डेली लाइफ वो किस तरह से जीता है, क्या वो सोचता है, उसका स्टडी किस में होता है? फेनोमेनोलॉजी में होता है. तो फादर ऑफ फेनोमेनोलॉजी कौन है? एडमंड हसरल्स. क्वेश्चन नंबर 29. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट पीटर बर्जर एंड थॉमस लकमन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज. पीटर बर्जर और थॉमस लकमन ने जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज दिया है उसके बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? टेक योर टाइम. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. दे आर डीपली कंसर्न अबाउट द वैलिडिटी ऑफ नॉलेज. नहीं, they are unconnected with validity of knowledge. Peter Berger and Thomas Luckman unconnected the किससे? Validity of knowledge से. They are concerned with the process through which any body of knowledge get recognized as reality. Correct. They focus not upon social facts but upon the creation of social meaning in human interaction. Human interaction जो होता है, जो कुछ वहाँ पे मीनिंग क्रिएट होते हैं उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया है. करेक्ट है. पीटर बर्जर और थॉमस लकमन को भी हम कहाँ किस में पढ़ते हैं? फेनोमेनोलॉजी में हम उनको पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द ट्राइपार्टाइट पिलर्स ऑफ सुज थ्योरी ऑफ फेनोमेनोलॉजिकल सोशियोलॉजी. फेनोमेनोलॉजिकल सोशियोलॉजी जो सुज ने दिया है तो उन्होंने कुछ तीन पिलर बताए हैं इंपॉर्टेंट, वो कौन से है? टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. लाइफ वर्ड, इंटर सब्जेक्टिविटी एंड नेचुरल एटीट्यूड. क्वेश्चन नंबर 31. हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू द फाउंडर ऑफ फेनोमेनोलॉजिकल सोशियोलॉजी. टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज अल्फ्रेड सुज. फेनोमेनोलॉजी का सबसे पहले यूज किसने किया है? फेनोमेनोलॉजिकल जो मेथड है सबसे पहले एडमंड हसरल ने उसको यूज किया है, तो इसकी वजह से एडमंड हसरल को फादर ऑफ फेनोमेनोलॉजी कहा जाता है. बट सबसे ज्यादा उसका डेवलपमेंट बेसिकली सोशियोलॉजी में अल्फ्रेड सुज ने किया है, तो उनको फाउंडर ऑफ फेनोमेनोलॉजिकल सोशियोलॉजी कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 32. सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव अबाउट हैबरमास रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मार्क्सिज्म.
हैबरमास ने जो मार्क्सिज्म का रिकंस्ट्रक्शन किया है और कुछ अल्टरनेटिव्स दिए हैं, तो वह कौन से बताइए। टेक योर टाइम। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, पर्पज रैशनल एक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर। मार्क्स ने सुपरस्ट्रक्चर बताया, इन्होंने अल्टरनेटिव क्या दिया है, पर्पज रैशनल एक्शन। सेकंड है सिंबॉलिक इंटरैक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर। सुपरस्ट्रक्चर को अल्टरनेटिव क्या दिया है, सिंबॉलिक इंटरैक्शन। थर्ड है सोसाइटल मोड्स ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस। मार्क्स बोलते थे क्लास कॉन्शियसनेस जब बढ़ेगा तभी वह आगे क्लास कॉन्फ्लिक्ट में उसका परिवर्तन हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वह क्लास कॉन्फ्लिक्ट में। तो हैबरमास कहते हैं कि नहीं, सोसाइटल मोड्स ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर फोर्थ है क्लास कॉम्पिटिशन इंस्टीट्यूट ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ये उन्होंने नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 33, द एथनोमेथोडोलॉजी एज एन अप्रोच टू स्टडी सोसाइटी इज कंसर्न्ड विथ। एथनोमेथोडोलॉजी एक सोसाइटी का स्टडी करने का अप्रोच है, वह किससे कंसर्न्ड है। टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, द फंडामेंटल बेसिस ऑफ सोशल ऑर्डर। एथनोमेथोडोलॉजी क्या है देखते हैं यहां पर। इथनो का मतलब क्या है, इथनो का मतलब है पीपल, मेथोडोलॉजी का मतलब है स्टडी। एथनोमेथोडोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द मेथड्स यूज्ड बाय पीपल, जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं तो उसका लोगों के बीच में जाके अगर हम स्टडी करते हैं कैसे वह जिंदगी जीते हैं, उसी को हम कौन सा अप्रोच कहते हैं, एथनोमेथोडोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी अप्रोच उसको कहते हैं। इट जनरली सीक टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू मेनस्ट्रीम सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस। देखो मेनस्ट्रीम सोशियोलॉजी में क्या होता था, पहले दुर्खाइम था, कार्ल मार्क्स थे, ऑगस्ट कॉम्टे थे या पार्सन्स थे, तो वह क्या करते थे, उनका अप्रोच था स्ट्रक्चरल अप्रोच था। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल अप्रोच में एक सोसाइटी और उसका स्ट्रक्चर होता था, तो उसका स्ट्रक्चर के हिसाब से वह सोसाइटी का स्टडी करते थे। जैसे कि कोई रिलीजन है, फॉर एग्जांपल हिंदू रिलीजन है या फैमिली है या कोई कंट्री हो, तो उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से वह इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चर के हिसाब से वह सोसाइटी का स्टडी करते थे। फिर कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में कॉन्फ्लिक्ट को देखा जाता था, हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को देखा जाता था। फिर फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव आ गए, जैसे कि टालकॉट पार्सन्स, वह कहते थे कि सोसाइटी एज लाइक अ ह्यूमन बॉडी की तरह ही सोसाइटी है, बॉडी के जैसे डिफरेंट पार्ट्स काम करते हैं वैसे ही सोसाइटी की इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर, रिलीजन, फैमिली, स्कूल, ये जो अलग अलग डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है वह अपना काम करते हैं, उसी को उन्होंने फंक्शनलिज्म कहा है। बट यह इन सब अप्रोचेस को एक अल्टरनेटिव अप्रोच है, वह क्या है, एथनोमेथोडोलॉजी। इट स्टडी हाउ सोशल ऑर्डर इज प्रोड्यूस्ड इन एंड थ्रू प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। एथनोमेथोडोलॉजी क्या करता है, जो लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं तब किस तरह से वह एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से वह अपना जीवन जीते हैं, उसी का स्टडी एथनोमेथोडोलॉजी में होता है। क्वेश्चन नंबर 34, असर्शन एंड रीजन, वीमेन्स वर्क पार्टिसिपेशन हैज सब्सटेंशियली इंक्रीज्ड इन द इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया। वीमेन्स का जो वर्क पार्टिसिपेशन है वह इंडिया के इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। करेक्ट है। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज हैव एक्सपैंडेड अमॉन्ग रूरल वीमेन्स, ये भी करेक्ट है। टेक योर टाइम। इसका यूजीसी ने आंसर दो दिए है, बी और सी। बी है ये इज करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट रीजन ऑफ ए, एंड सी है बोथ ए एंड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, वीमेन्स राइट्स और ह्यूमन राइट्स, महिलाओं के जो राइट्स है वो ह्यूमन राइट्स है। एज एन इंटरनेशनल पॉलिसी फॉर वीमेन्स एम्पावरमेंट वॉज एक्सेप्टेड
in an international conference of women's held in? Take your time. The correct answer is Beijing. Question number 36. On the issue of low status of women in family, the socialist feminist argues that gender inequality is महिलाओं का जो family में status जो है वो इनिक्वल है, उनको असमानता का दर्जा family में दिया जाता है. तो उसके reason socialist feminist ने कौन से बताए हैं? Take your time. Correct answer is option A. Ideologically linked to their predominant engagement with household responsibility, and second, due to their predominant engagement with unpaid household activities. Question number 37. Which one of the following is not correct with regard to the liberal feminist view on the state? State ke upar liberal feminist view इनमें से कौन सा नहीं है? Take your time. Correct answer is B. Liberal feminist जो होता है वह कैसे सोचते हैं liberal लोग? The state is potentially a neutral arbiter and lack any ideology of its own. Men are pressure group, women are observer. D. Women should embrace strategies for meaningfully access the state and influence it. और यहाँ पे क्या है? Men have captured the state. ये extreme है. Liberal नाम से ही पता चलता है. Liberal जो होते हैं वह extremity की ओर जाते नहीं हैं. Men have captured the state. यह radical feminism और Marxist feminism को दर्शाता है. Formal और informal sector को मैंने divide किया है. चलो देखते हैं फॉर्मल सेक्टर क्या होता है. फॉर्मल सेक्टर में बैंक, गवर्नमेंट ऑफिसेस, कंपनीज एक्सेट्रा आते हैं. फॉर्मल सेक्टर के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, वह रिटन होते हैं. और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? जैसे कि फार्मिंग हो, सेल्फ एम्प्लॉयड, आर्टिसंस हो, शू मेकर्स, वर्किंग इन कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग, रोड्स, पीच ट्रेडर्स, बार्बर्स, ये जो सारे लोग हैं वह इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 38. The proportion of the aged 60 plus population to the total population of India show a trend of total population India ke 60 plus log ka trend kaisa hai aajkal. Take your time. Correct answer is increase. Decline nahi hai, stagnation bhi nahi hai. To kya ho raha hai? 60 plus log ka population टोटल पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 39. व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन लिव इन स्लम? टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अराउंड 1/5. इंडिया के अराउंड 1/5 लोग जो अर्बन एरिया में रहते हैं वह आज भी स्लम एरिया में रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 40. What proportion of India's population does not get safe drinking water as per World Health Organization, WHO? Take your time. Correct answer is option A, 15. 15% लोग इंडिया के आज भी सेफ ड्रिंकिंग वाटर उनको नहीं मिलता है. Question number 41. Who held the view that Indian tribals were backward Hindus? किसने कहा है कि इंडिया के जो ट्राइबल्स है वह बैकवर्ड हिंदू है? टेक योर टाइम. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जीएस गोरे. जीएस गोरे एक मुंबई यूनिवर्सिटी के बहुत ही बड़े सोशियोलॉजिस्ट थे. उनका अप्रोच इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अप्रोच था उनका. उनके उन्होंने जब ट्राइबल का स्टडी किया तो उन्होंने दो बुक लिखे हैं. वह है एबोरिजिन्स सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर 1943, सेकंड है द शेड्यूल ट्राइब 1963 में उन्होंने बुक लिखा है. जीएस गुरे मानते थे कि जो ट्राइबल्स लोग हैं उनको एसिमिलेट करना चाहिए मेन स्ट्रीम सोसाइटी में, ना कि उनको आइसोलेट रखना चाहिए. तो उन्होंने जो उस टाइम पे कुछ लोग थे उनका पर्सपेक्टिव था कि जो ट्राइबल्स का जो कल्चर है वह यूनिक कल्चर है, तो उनको वैसे ही यूनिक रहने देना चाहिए.
उस पर्सपेक्टिव को क्या कहते हैं, आइसोलेशनिस्ट पर्सपेक्टिव। बट जीएस गोरे उनको क्रिटिसाइज करते थे, वो उनकी मांग यह थी कि उनको ट्राइबल लोगों को एसिमिलेट करना चाहिए था क्योंकि वह हिंदू ही है बट बैकवर्ड हिंदू से। क्वेश्चन नंबर 42, हु अमंग द फॉलोइंग हैज यूज्ड द डायलेक्टिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने के लिए डायलेक्टिकल अप्रोच किसने यूज किया है? टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज डीपी मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 43, इंडिविजुअल्स फैमिलीज एंड ग्रुप्स इन द पॉपुलेशन कैन बी सेड टू बी इन पॉवर्टी व्हेन दे लैक द रिसोर्सेज टू ऑब्टेन द टाइप ऑफ डाइट participate in activities and have the living condition and amenities which are customary or at least widely encouraged or approved in the societies to which they belong। कुछ लोगों जो समाज में individuals होते हैं या family और जो group है उनको ऐसी society में वह जब रहते हैं एक बड़ी सोसाइटी में तो बड़े जो अमीर लोग हैं उनका जो स्टैंडर्ड रहता है जिंदगी जीने का, उनकी लाइफस्टाइल है, वह जिंदगी जीने की उनकी लाइफस्टाइल वह लोग मैच नहीं कर पाते। बट हालांकि उनके सोसाइटी में रहते हैं वह लेकिन उनके लाइफस्टाइल को वह मैच नहीं कर पाते। देयर रिसोर्सेस आर सो सीरियसली बिलो दोज कमांडेड बाय द एवरेज इंडिविजुअल or family that they are in effect excluded from the ordinary living patterns, customs and activities from the above paragraph in which of the following way poverty is defined। poverty को किस तरह से ये जो passage है इसमें दिखाया गया है कि अगर आप एक बड़ी society में रहते हैं लेकिन फिर भी आपके पास पैसा तो है फिर भी आप अपने आप को गरीब महसूस करते हैं तो उसको कौन सी पावर्टी कहेंगे। टेक योर टाइम, बहुत इजी करके मैंने आपको ये बताया। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, पावर्टी एज रिलेटिव डेप्रिवेशन। जहां पे कंपैरिजन आता है तो वहां उसको वहां पे हम क्या करते हैं, रिलेटिव डेप्रिवेशन, उस पॉवर्टी को रिलेटिव डेप्रिवेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो चूज द कोड डिपिक्टिंग करेक्ट आंसर टू डिस्क्राइब द सोशली कंस्ट्रक्टेड जेंडर इनइक्वालिटीज। सोशली कंस्ट्रक्टेड जेंडर इनइक्वालिटीज कौन सी है? टेक योर टाइम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बी सी डी बट नॉट ए। सोशली कंस्ट्रक्टेड जेंडर इनइक्वालिटी में फॉर सिमिलरली क्वालिफाइड पर्सन मेन फेवर्ड ओवर वीमेन। अगर सिमिलर क्वालिफिकेशन होता है मेन का और वीमेन का फिर भी मेन को फेवर किया जाता है। मेन एंड वीमेन आर थॉट टू पोजेस डिफरेंट फिजिकल इमोशनल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज। प्रैक्टिस ऑफ डाउरी हैज इंक्रीज्ड अमंग द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया। डाउरी की प्रैक्टिस भी एजुकेटेड मिडिल क्लास में बढ़ रही है तो यह भी सोशली कंस्ट्रक्टेड जेंडर इनइक्वालिटी का पार्ट है। फिर ये भी है, मेन एंड वीमेन आर थॉट टू पोजेस डिफरेंट फिजिकल इमोशनल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज। ये जो सोच है यह भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है। और फिर हार्मोनल एंड क्रोमोसोम्स डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड जेंडर इनइक्वालिटी नहीं है, यह इसको हम बायोलॉजिकल कह सकते हैं बट सोशली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, अजर्शन एंड रीजन। द प्रॉब्लम ऑफ डाउरी डेथ इज टिपिकली प्रिविलेंट अमॉन्ग द इमर्जेंट अर्बन मिडिल क्लास इन इंडिया। रीजन, the law of inheritance is discriminatory against women in India।
take your time. The correct answer is both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. डाउरी डेज जो है जो इंडिया के मिडिल क्लास में दिन ब दिन बढ़ रही है, ये तो करेक्ट है. और दूसरा जो इन्होंने रीजन दिया है, द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट वीमेन इन इंडिया. इनहेरिटेंस का जो लॉ है, पिता के संपत्ति में बेटी का जो हक है, वह डिस्क्रिमिनेटरी है इंडिया में, ये भी करेक्ट है. बट उसकी वजह से ही खाली डाउरी डेथ्स बढ़ रही है या रीजन नहीं हो सकता, दूसरे भी इसके रीजन है. क्वेश्चन नंबर 46, द वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल्स लेबर पावर विच इज लेफ्ट ओवर व्हेन एन एम्प्लॉयर हैज रिपेड द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन हायरिंग अ वर्कर इज कॉल्ड इन मार्क्सियन टर्म. टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सरप्लस वैल्यूज. ये बहुत ही फेमस है, कार्ल मार्क्स का थ्योरी सरप्लस वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 47, द कलेक्टिव बार्गेनिंग यूजुअली सेंटर्स अराउंड. टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज शेयर इन प्रॉफिट, जॉब सिक्योरिटी एंड गुड वर्किंग कंडीशंस. कलेक्टिव बार्गेनिंग किसमें होता है? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई में कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है, वहां पे डिस्कशन और नेगोशिएशन होता है, तो उसको ही कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं. तो एम्प्लॉयर कुछ प्रपोजल रखता है, फिर एम्प्लॉई काउंटर प्रपोजल रखता है, फिर उसके बाद उनमें जो नेगोशिएशन होके जो जब वो फाइनल किसी ठोस मुद्दे के ऊपर पहुंचते हैं, तो उसी को ही कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं. तो ये बेसिकली जो शेयर इन प्रॉफिट में शेयर कितना होना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी कितनी चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशन कैसी होनी चाहिए, इसी मुद्दे के ऊपर होता है. क्वेश्चन नंबर 48, इंटेग्रेट द वर्किंग क्लास इनटू कैपिटलिस्ट सोसाइटीज मेकिंग देम लेस लाइकली टू बिकम एन रेडिकल और रिवोल्यूशनरी फोर्स. दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू वर्किंग क्लास को कैपिटलिस्ट सोसाइटी में इंटेग्रेट करना है, मेकिंग देम लाइकली टू बिकम लेस लाइकली टू बिकम रेडिकल और रिवोल्यूशनरी फोर्स. वर्किंग क्लास को कैपिटलिस्ट क्लास में इंक्लूड करना है, इंटेग्रेट करना है, ताकि वह लेस रेडिकल और रिवोल्यूशनरी फोर्स बने. यह किसकी आइडियोलॉजी है? टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रेड यूनियंस. क्वेश्चन नंबर 49, द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बोर्न चिल्ड्रन प्रोड्यूस्ड बाय वीमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी कॉल्ड. टेक योर टाइम. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. द करेक्ट आंसर इज फर्टिलिटी रेट. क्वेश्चन नंबर 50, द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव दैट बिलीव्स दैट फ्री मार्केट फोर्सेस अचीव्ड बाय मिनिमाइजिंग गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस प्रोवाइड द ओनली रूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक के जो कुछ पर्सपेक्टिव है, वह बिलीव करते हैं कि अगर मार्केट फ्री होता है, मार्केट में गवर्नमेंट का जो रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट की, वह कम से कम अगर हो जाते हैं तो मार्केट और इकोनॉमी ग्रो हो सकती है. इस विचारधारा को, इस आइडियोलॉजी को, इस पर्सपेक्टिव को क्या कहते हैं? टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज न्यू लिबरलिज्म.